नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसेल सिग्नल का स्किनर बनाया उसी का तुम्हें आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। बाइसेल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी और इनसाइड द बार NR4 NR7 कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन जो दिखाता हूँ और जी और उस फाइल में जो व्यू देता हूँ और जो फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ वो आज का कल का जो फाइल शेयर किया था वो आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा वो आप लोग को दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि लाइव मार्केट में कौन सा लेवल पे एंट्री लेना है, एग्जैक्टली कैसे एंट्री लेना है। बहुत सारे आदमी का कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को भी फीडबैक ही पहले दिया था, अभी भी मेरा लगता है कि कैसे एंट्री लेना है लाइव मार्केट में ओपन होने के बाद वो बाई सेल लेवल में, बाई सेल बाई लेवल एंड सेल लेवल पे, तो बहुत सारे आदमी को कंफ्यूजन रहता है। तो इसी के लिए मैंने बीच बीच में पहले भी डाला था और बीच बीच में डालते भी रहूँगा तो आप ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप लोग एंट्री ले सकता है और इसका इफेक्टिव मिनिमम कैसा है, कैसे प्रॉफिट निकलता है। तो ये देखिए, मैंने कल को कल कल का जो मैंने फाइल किया था, कल रात में जो फाइल शेयर किया था कल का डाटा बेसिस पे, उसी को मैंने डाउनलोड कर लिया। आज का भी मैंने लाइव मार्केट में भी फाइल अपडेट करके दिया था, तो लाइव मार्केट में भी फाइल अपडेट करा और वो मैंने डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो कल का फाइल जो मैंने इधर मैंने डाउनलोड कर लिया, ये आप लोग देख सकते हैं इधर 1.0 मतलब बाइसेल लेवल 1 कम स्किनर, ये इधर से डाउनलोड किया था। और इधर मैंने ये जो बाइसेल लेवल 3 का जो फाइल है वो भी मैंने इधर डाउनलोड किया, उसका परफॉर्मेंस आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को बाइसेल लेवल कम स्किनर का व्यू रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। उसका चार्ट का सेटअप है वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल, चार्ट का सेटअप है जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है वो भी आप लोग को मिल जाएगा और निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ वो भी आप लोग को मिल जाएगा। और भी मैंने स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स और एडुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पज़ बहुत सारा वीडियोस मैंने डालते रहूँगा। तो ये आप लोग को जो जो कि आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा और ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को मिल, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा और हाउ टू स्क्रीन हाउ मोस्ट इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं, इसमें क्या क्या है, ये सब वीडियोस भी आप लोग को देखने के मिल जाएगा ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। तो देखिए, मैंने ये कल का फाइल मैंने डाउनलोड किया था, मैंने कुछ भी स्टॉक्स देख लेता हूँ, सोच लीजिए मैंने इधर कुछ रिकमेंडेशन भी देता हूँ, इधर से ही ले लेता हूँ। तो इसी को मैंने देख लेता हूँ, जैसे सीखो मैंने इधर इस फाइल से मैंने बाइसेल लेवल 1, 2 और 3 बनाता हूँ तो आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकता है। मैंने बाइसेल लेवल 1 को पकड़ के दिखाता हूँ। सोच लीजिए इधर बाई का एंट्री लेवल था 1435.57 और सेल का एंट्री लेवल था 1430.35। तो लाइव मार्केट में मतलब चार्ट पे आप लोग देख मैंने दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को, अभी इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और एकदम खोलने से ये नेट का स्पीड स्लो हो जाता है और ऐसे ही स्लो है तो इसीलिए इसको बंद किया है मैंने। चार्ट में दिखाना चाहता हूँ, ऐसे तो आप लोग को दिखा दे सकता हूँ कि आज का हाई लो कितना हुआ, कैसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब चार्ट पे दिखाऊंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे एंट्री लेना है, वही सबसे बड़ा चीज़ है। देखिए आज का ये 1435 बाई का लेवल था और 1430 सेल का लेवल था, तो इसमें आज का हाई हुआ है 1451, ठीक है। यार इसको आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर से भी आप लोग को दिखा सकता हूँ। देखिए 1430 पे ओपन हुआ था, आप लोग भी चेक कर ले सकते हैं चार मार्केट वॉच पे या कोई किसी भी प्लेटफॉर्म में, 1430 में ओपन हुआ था, उसके बाद ये हाई गया था 1451 और लो गया था 1420। तो इसमें आप लोग मतलब 1432 के ऊपर जब ये गया था 1451 गया था और सेल साइड में 1430 से नीचे 1420 तक गया था। अभी चार्ट में एंट्री लेना दिखाना जरूरी है लेकिन ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है नेट, दिखाना चाहता हूँ।
कौन सा साइट में पहले गया था, कैसे एंट्री ले सकता है। कभी भी ऐसा हो सकता है कि एंट्री लेना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद ही हाई लो हो जाता है। बहुत सारा चीज़ आप लोग का फैक्टर काम करता है, आप लोग लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट में बहुत सारा फैक्टर काम करता है, इसलिए आप लोग को चार्ट पे समझने का कोशिश करूँगा। हो सकता है कि ये जो हाई लो दिखाता है कि वो मार्केट होने ओपन होने के बाद ही हो गया है, उसके बाद कुछ एंट्री लेने का पॉसिबल ही नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आप लोग को मतलब इसको यूज़ किया, कैसे किया जा सकता है उसको चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ। तो देखते हैं, एस सी ऑलरेडी है, तो इधर देखिए, ये 1430 में ओपन हुआ था, 1451 हाई गया था, 1420 लो गया था। तो एक बार चार्ट पे देख लेते हैं, मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ क्योंकि उसमें सुविधा होगा एक एक टाइम फ्रेम में। देखिए, ये ओपन होने के बाद 1430 में ओपन होने के बाद ये 1400 फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल 1434 गया था। उसके बाद ये देखिए 1435.57, मतलब 1435.60 या 1465 आप लोग पकड़ना है। तो उसके बाद ये जब आप लोग इधर 5 मिनट के बाद आप लोग जब ये थोड़ा था आराम से एंट्री ले सकता है। पहले कैंडल में 1438, उसके बाद 1440, उसके बाद ये हाई गया था 1447 तक। तो मैंने 91 तक तो इधर ही हाई हो गया था 10:30 के अंदर, ठीक है। तो इसमें आप लोग का ए सी सी दिखा दिया, उसके बाद मैंने जो और भी सोच लीजिए, RBL बैंक को एक बार देख लेते हैं, मेरा ख्याल से वो उसके बाद वो था, पता नहीं, तब मैंने एक दो दिखा देता हूँ। हर जो एक हर ये जो बाई सेल लेवल 3 का मैंने जो फाइल शेयर करता हूँ, इससे अप ट्रेंड में भी बाई सेल रहता है, जो स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है वो और भी ऊपर जगह, तो कैसे कौन सा लेवल सही रहेगा, और अप ट्रेंड जब नीचे रहेगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और डाउन ट्रेंड में भी बाई सेल रखा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड जब वीटेस होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना है, डाउन ट्रेंड जब नीचे आकर वीटेस होगा तो और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, और कौन सा लेवल पर कौन सा है वो भी आप लोग इधर देख सकते हैं। ट्रेंड भी इधर से बात कर सकता है, 5:30 में कॉल सुबह रहता है, और इधर करंट हाई लो क्लोज का। अच्छा, SEC का इधर जो लेवल था, बाई का लेवल आया नहीं था, और 1430 का लेवल पे आप लोग ये इस फाइल में देखेंगे तो 1430 के नीचे ये 1420 तक आया था। तो मैंने आप लोग कोई भी बाई से लेवल 1, 2 और 3 मैंने दिखाता हूँ, तो कोई और बाई से लेवल 3 अलग करके दिखाता हूँ, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मैंने ऑनली बाई से लेवल 1 दिखाता हूँ अभी इसमें। अच्छा, आरबीएल बैंक का देखिए, 307 का, ये 307.57 इसका बाई लेवल था, और सेल लेवल था 305.9। तो देखते हैं RBL बैंक, मतलब लाइव मार्केट में वही सबसे ऐसा होता है कभी कभी कि कौन सा किसी किसी लेवल पे एंट्री लेना पॉसिबल ही नहीं होता है। लाइव मार्केट में ऐसा होता है कि दिन का हाई उधर ही हो गया, या नहीं तो बाई सेल लेवल छूट गया होगा, तो उस कैसे आप लोग को ट्रेड करना है वही जो सबसे जरूरत होता है। तो देखिए, ये 319 आ गया था, 306 में ओपन हुआ था, 303 लो मारा था। तो देखता है कैसे ये हो सकता था, एंट्री कैसे वो बनता था। देखिए, इधर इधर ओपन होने के बाद 306 में ओपन हुआ था, 300, और इधर आपका बाई लेवल था 307 पे, है ना, 307.57, मतलब 300.60। तो 307.60 जब हुआ था इस सर, पहले 310.50 हाई गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस होकर नीचे आया था 305 तक। उसके बाद आप लोग ट्रेलिंग करते थे तो बहुत सारा, मतलब 319 तक एकदम हाई गया था, और नीचे उसके बाद नीचे 305.305 से इसका सेल लेवल था, जब 305 का